ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद के पलवली गांव का है, जहां हरियाणा के उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल पिछले दिनों गांव में हुए हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दरअसल 5 दिन पहले चुनावी रंजिश को लेकर गोलियों से भूनकर गांव में 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस लगभग 21 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि बाकी कई आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। मंत्री विपुल गोयल की माने तो उन्होंने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी है और पुलिस अधिकारियों से बात करके बाकी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात भी कही है। मंत्री की माने तो आरोपी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी बात कर पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ये आश्वासन क्या मैं पूरा का पूरा भरोसा दिला रहा हूँ कि न्याय होगा, चाहे कोई भी आरोपी चाहे कोई हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितनी भी बड़ी पहुँच वाला हो, बिल्कुल न्याय होगा। तीनों परिवारों के साथ जो जो मांगे इन्होंने रखी हैं और जो क्षति हुई है उसका तो कहते हैं कि किस तरीके से क्षतिपूर्ति होगी, लेकिन न्याय की मैं जिम्मेदारी कहता हूँ। मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा मैं, और जो न्याय होगा, जो लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं अगर वो ठीक हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें जल्दी अरेस्ट कराने का काम भी करेंगे। 20-22 लोग इसमें अरेस्ट भी हो चुके हैं और बाकी पुलिस कार्रवाई। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए विनोद वैष्णव की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर